युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय। हिमालय हम हिंदुस्तानियों के लिए सिर्फ एक पर्वत नहीं है, बल्कि ये आस्था का भी केंद्र है, क्योंकि इसकी गोद में बसते हैं बद्री केदार जैसे धाम, जहां करोड़ों लोग हर बरस माथा टेकने जाते हैं और साधु संत जिनकी गुफाओं में करते हैं तपस्या। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते हिमालय की बर्फ हर साल पिघल रही है। हाँ, कुछ हैं जो उसको बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक हैं हमारे आज के एक पहाड़ी ऐसा भी फोटोग्राफर बाबा। UPES presents Red FM पे एक पहाड़ी ऐसा भी। आंध्र प्रदेश के स्वामी सुंदरानंद जी का पहाड़ों से बहुत लगाव था। 1947 में वो गोमुख आ गए। यहाँ आकर हिमालय की विशालता और महानता से वो इतने प्रभावित हुए कि यहीं रहने लगे। 1955 में बद्रीनाथ की यात्रा पे स्वामी जी बर्फीले तूफान में फंस गए थे। जान बची तो उन्होंने हिमालय और उसके ग्लेशियर्स को समझने के लिए इनकी फोटो लेनी शुरू कर दी। हिमालय के चप्पे चप्पे से वाकिफ स्वामी जी को इंडियन आर्मी ने 1962 में इंडो चाइना वॉर के लिए अपना गाइड भी बनाया था, और उसके बाद हिमालय को कैमरे में कैद करने का ऐसा जुनून चढ़ा कि इन्होंने आज तक 2.5 लाख से ज्यादा फोटोज खींच ली हैं। गंगा नदी की जिंदगी हिमालय से पिघले बर्फ पे टिकी है, लेकिन स्वामी सुंदरानंद जी को इस बात की फिक्र रहती है कि दुनिया में तेजी से बढ़ रहे तापमान से हिमालय के ग्लेशियर जल्द ही पिघल जाएंगे और गंगा का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसीलिए अपनी फोटोज के जरिए वो लोगों को जागरूक करते रहते हैं। इनफैक्ट हिमालय और गंगा पे रिसर्च करने आए दुनिया भर के साइंटिस्ट हिमालय को समझने के लिए फोटोग्राफर बाबा की तस्वीरों की हेल्प लेते हैं। अमेरिका और यूरोप में कई बार स्वामी जी की तस्वीरों की एग्जीबिशन भी लग चुकी है। स्वामी सुंदरानंद जी के इस कॉन्ट्रीब्यूशन के चलते उनपे पर्सनल टाइम विद स्वामी जी नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। स्वामी जी की किताब हिमालय थ्रू अ लेंस ऑफ अ साधु को देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लॉन्च किया था, और इनके काम से वो बहुत प्रभावित थे। नेचर की फोटोग्राफी करने वालों के लिए स्वामी जी एक रोल मॉडल हैं, और 2018 में पद्मश्री से सम्मानित फोटोग्राफर नैनीताल के अनूप शाह जी को भी स्वामी जी ने ही फोटोग्राफी के गुर सिखाए हैं। 1956 में 25 रुपए में खरीदे गए कैमरे से स्वामी जी ने जो फोटोग्राफी शुरू की थी, पिछले 50 साल में वो कलेक्शन 8 क्विंटल तक पहुंच गया है, जिनके लिए गंगोत्री में एक आर्ट गैलरी खोली गई है। हिमालय की जड़ी बूटियों की गहरी जानकारी रखने वाले स्वामी जी अपनी जवानी के दिनों में 300 तरह के योग आसन कर लिया करते थे। उत्तराखंड का पूरा इकोसिस्टम, यहाँ की खूबसूरती, पहाड़ों में उगने वाले अनाज और गंगा किनारे बसे लोग हिमालय और इसके मौसम पर निर्भर हैं, और हिमालय के संरक्षण के लिए लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। और जब जब इसके लिए प्रयास किए जाएंगे, स्वामी सुंदरानंद जी के लिए गए फोटोग्राफ्स हिमालय का इतिहास बताने के लिए माइलस्टोन साबित होंगे। कहते हैं ये आसमां भी उतर आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की हुंकार होनी चाहिए। स्वामी जी, जिनको आज हम फोटोग्राफर बाबा के नाम से जानते हैं, 94 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी एनर्जी देखने लायक है। हम आपके इस जज्बे को करते हैं सलाम, और हिमालय को लेके जो आपने पूरा इतिहास सजो के रखा है, उसके लिए आपको शत शत नमन। देखते रहिए ये सीरीज जिसका नाम है एक पहाड़ी ऐसा भी। मेरा नाम है काव्य। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेर हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेर पहाड़ा। Presented by UPES, University with a Purpose. 93.5 Red FM. बजाते रहो।